नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल गर्भ गीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मस्ट हैव बुक, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में टॉडलर है, कोई भी 0 to 5 इयर्स का बेबी है आपके घर में, तो ये जो बुक है मैं आपको आज बताने वाली हूँ, दैट इज अ मस्ट हैव बुक इन योर हाउस। बहुत सारे बुक रहते हैं, वो एजुकेटिव रहते हैं, वो हम लोग लाते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको आज बुक बताने जा रही हूँ, उस टाइप का बुक आपके घर में होना बहुत जरूरी है फॉर द रिविजन ऑफ योर किड। ओके, सो लेट्स सी विच इज दैट बुक, आई जस्ट शो यू। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑल इन वन बुक। सो ऑल इन वन बुक अलग अलग कंपनीज के आते हैं, अलग अलग पब्लिशर्स के आते हैं, बट द कंसेप्ट इज सेम कि एक ही बुक में आपको बहुत सारे टॉपिक, अभी यहाँ पे टॉपिक्स है, मैं आपको ओपन करके बताती हूँ, कि जिसमें हर टॉपिक के ऊपर एक एक पेज पे इंफॉर्मेशन रहती है। दिस इज कॉल्ड ऑल इन वन बुक। ओके, सो एक ही बुक में सब इंफॉर्मेशन। सो इफ यू गो फॉर दिस, दिस इज अ ABCD है यहाँ पे, देन दे हैव अ क ख ग घ, काउंटिंग इज देयर, दे हैव अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एनिमल्स, vehicles, then flowers, famous places, then they have electronics, they have our helpers, community helpers, then the famous festival of India, these are the monuments, world monument and Indian monument, then they have Indian currencies, then the national symbols, national leaders and some poem. So why this book is important? ऐसे आपको बहुत books मिल जाएंगे जो all in one होते हैं, वो अच्छे होते हैं quality के, लेकिन ये book जरूरी क्यों है? क्योंकि हम brain stimulation classes में हम लोग देख चुके हैं कि this जो short term memory होती है उसको long term memory में convert करने के लिए rehearsal कितना important होता है, that rehearsal play a very important role to form the long term memory. तो कोई भी टॉपिक अगर आपने अपने बच्चों को सिखाया, सपोज आपने फ्रूट्स उसको सिखाए हैं व्हेन ही इज ऑलमोस्ट 1.5 और 2 इयर्स, तो वो अगर आपने 2-3 महीने उसका रिवीजन नहीं लिया तो बच्चे वो भूलना स्टार्ट कर देते हैं। जो मेन जो फ्रूट्स है वो उनको याद रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत ट्रिकी फ्रूट्स के नाम है वो भूल जाते हैं बेसिकली। तो ये रिविजन इम्पॉर्टेंट है, तो रोज आपको क्या करना है कि ये बुक लेके एवरी मॉर्निंग सिट विद दिस बुक फॉर 10 मिनट्स, और सारे टॉपिक है एक बार, सारे तो पूरे एक ही साथ आपको कवर करना ऐसे कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कोई भी 4-5 टॉपिक आप लीजिए, सपोज आपने फ्लावर्स ले लिए, बर्ड्स ले लिए, एनिमल्स ले लिए, नेशनल लीडर्स ले लिए, ये 4 टॉपिक आज आप लीजिए और उनको उसके हाथ पकड़ के एक एक सारे उसके साथ रिवाइज कर लीजिए, सो दैट 10 मिनट्स गिव हिम अ रिविजन फॉर हिज ब्रेन, जो आपने सिखा चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बार वो रिवाइज हो जाएगा एंड दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी विल हेल्प देम टू कन्वर्ट इट इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। वॉटर एनिमल कौन है? Sea horse, dolphin, jellyfish, green turtle, snail, puffer fish, giant squid, तुझे काटे नहीं लगो, तो सब पानी से भाई कर दिया, अच्छा तू तो पानी टक लेके शो, तो अपने वीडियो बगीच ले लेना तेरे से, lobster, prawns, giant squid, अब तो तुम्हारे सारे बोर्ड सा, prawn की तरह तो काय नाही करत तुझ्या ऑक्टोपसचे कसे हात आहेत तसे खूप त्याचे शेषे किती तू आता मला बर्ड सांग सगळे नाव पटापट चला स्टार्ट चिकन बर्गर पकड़ते हैं। So this kiwi. Kiwi.
म्यूजिक इज अ किंगफिशर. किंगफिशर. ओके सो ये बुक का अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ ये बुक का जो नाम है. सो इफ यू वांट टू बाय द सेम बुक यू कैन बाय द सेम बुक. मैं पब्लिशर और बुक का नाम दे देती हूँ. एंड होप दिस वीडियो इज नॉलेजेबल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो. थैंक यू.